चौकी इंचार्ज सत्यपाल की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों की सह पर उल्टा पीड़ित को ही घसीटते ले गए थाने। पुलिस का खेल निराला, उल्टा पीड़ित पर मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। पीड़ित को घर से घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मकान में गेट लगाने के विवाद में पीड़ित के घर में तोड़फोड़ पथराव। पड़ोसियों द्वारा पीड़ित के मकान में तोड़फोड़ पथराव की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पीड़ित का 35 साल पुराना दरवाजे का पुनर्निर्माण करने को लेकर दबंगों ने की थी अभद्रता। पीड़ित ने तहरीर दी तो दरोगा साहब ने पीड़ित पर ही उल्टा दर्ज कर दिया मुकदमा। बरत चौकी इंचार्ज सत्यपाल सिंह ने उल्टा पीड़ित पर ही दर्ज किया मुकदमा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका, क्या मामला है आपका? ये मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है और मेरे पिताजी और मेरी माताजी और हम दो भाई यहाँ पर रहते हैं। एक मेरा भाई बाहर रहता है और वो साल भर में एक बार भी छुट्टी में आता है। हमारा ये मामला है कि हमारे घर में दो गेट हैं। एक गेट हमारा फ्रंट में है और एक हमारा बैक में है। जो हमारा बैक में लगा था वो गेट हमारा 35 साल पुराना है और ये पिछले 3 साल पहले वहाँ पर सड़क बनी। सड़क हो गई ऊँची तो सारा पानी घर के अंदर भरने लगा। उसको हम लोगों ने, जो हमारा पुराना मकान बना था पहले का, 35 साल पहले का जो बना था एक कमरा, तो हम लोगों ने उसको हटा करके अपने उसको थोड़ा सा ऊँचा कराया। ऊँचा कराने के बाद उसको कम्प्लीट कराने के लिए उसको कंप्लीट कराया, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि जो वहाँ पर गेट लगा था तो उस मोहल्ले के लोगों ने हमारा गेट लगाने से रोक दिया। हमें गेट लगाने से वहाँ पर रोक दिया, जिसकी वजह से रोक इसलिए दिया कि वो लोग वहाँ पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। आज 3 साल बाद, ये अभी 8 फरवरी को अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जो गेट खड़ा था उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया तो मोहल्ले के जो अंकुर दीक्षित, जो लोग इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अंकुर दीक्षित और उनके पिताजी का नाम है कुंज बिहारी दीक्षित, अंकुर दीक्षित की पत्नी नेहा दीक्षित और उनकी माँ ने हमारे घर में ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। गेट पे लगी टीन को हाथों से, पैरों से, डंडों से खूब कूटा और उसको गिरा दिया और अधों से, डंडों से हम लोगों के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान की दया रही कि हम लोग अंदर रहे, इस वजह से हम लोग बच गए। आपने लेकिन इसकी शिकायत थाने में की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने थाने में भी की, चौकी में भी की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ़ उल्टा FIR दायर करा करके और हमको, हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। जिस समय कार्य चल रहा था आपके, उस समय पुलिस भी आई थी तो आपने बताया नहीं कि जायज जगह हम अपना कार्य? नहीं, मैंने उनको ये कई बार हो चुका और उनको मैंने कई बार बताया कि ये कोई मैं नया गेट नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा गेट 35 साल पुराना है, लेकिन पुलिस ने भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करी और हमेशा हम लोगों को दबाया है। आपने एप्लीकेशन थाने में दी? हाँ, हमने एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई हुई उस पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो दिन बाद जब मैं मुकदमा दिखाने गया, पैसा ये FIR कॉपी है जो हम लोगों के खिलाफ मुकदमा इसमें दायर किया गया, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी, ना कोई प्रहार किया, ना किसी को कोई। दूसरा पक्ष है क्या, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं? उसको थाने बुलाया गया? नहीं, उसको अभी थाने में नहीं बुलाया गया, किसी भी प्रकार से नहीं बुलाया गया। पुलिस आई थी आपके घर पे तो किसको लेके गई थी वहाँ पर? कल हमारे घर में जो हमारे गेट के सामने जो ईंटें लगे थे तो हम लोगों ने लेबर लगा करके उन ईंटों को हटा और उसको आप सभी ने देखा होगा। उनका ऊपर आपने किन दारों पर लिखवाया था? उसकी भी कॉपी है हमारे दिखाई। रितेश, ऐसा है कि पहले ये लिखा गया है, जब उनकी कोई गलती नहीं थी आपने दे भी दिया इनके पास, ये फिर बेचारे साउथ SP साउथ चल रही थी 10:15 बजे वो फ्री हुई, तब उनके संज्ञान में ये बात जा चुकी थी पहले से, तब उनको मैंने ये मोबाइल से